हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। कलर्स टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस आए दिन लोगों को लुभा रहा है। शो के कंटेस्टेंट्स इन दिनों काफी चर्चा में हैं, खासतौर पर उनकी एक्टिविटी को लेकर। फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटी भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। इस बार शो की एक्स कंटेस्टेंट रही काम्या पंजाबी ने साजिद खान की एक्टिविटी को लेकर उन्हें लताड़ लगाई है। बिग बॉस 16 के हालिया एपिसोड में मेहमान घर में आते हैं और कंटेस्टेंट को उन पर कोई रिएक्शन नहीं देना था। सुम्बुल की बारी के दौरान उनके पिता की चिट्ठी को बिग बॉस के एपिसोड को नरेट करने वाले विजय विक्रम सिंह की तरफ से पढ़ा जाता है। हालांकि सुम्बुल इस पर रिएक्ट करती हैं, जिससे उन्हें माइनस पॉइंट दिया जाता है, जिससे साजिद गुस्से में आ जाते हैं और सुम्बुल पर बरस पड़ते हैं। बस क्या था, बाद में एमसी स्टैन और साजिद खान चर्चा करते हैं कि कैसे घर में हर कोई झूठा एक्टर है और कार्यक्रम में कोई भी रियल होने की कोशिश नहीं करता। एमसी स्टैन ने साजिद के साथ सहमति जताते हुए कहा कि हर कोई फुटेज के लिए तरस रहा है। इस एक्टिविटी के बाद काम्या पंजाबी सुम्बुल की सपोर्ट में आ खड़ी हो गई हैं और साजिद खान को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगा रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुझे नहीं लगता कि सुम्बुल ने रिएक्ट किया है और अब साजिद वही कर रहे हैं जो उन्होंने अब्दू और निमृत के साथ किया था। आगे ट्वीट कर उन्होंने कहा कि अरे अरे साजिद, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और चलो अब तो पलट दोगे। अब तो हमें भी देखना है कि आपका कैलकुलेशन कितना सही है, कि अंकित इस हफ्ते घर से बाहर होगा। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का लेटेस्ट सॉन्ग झूमे जो पठान रिलीज हो गया है। बेशर्म रंग के बाद पठान फिल्म का गाना दूसरा है जो फैंस को एंटरटेन करने के लिए मजबूर कर रहा है। रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पठान का झूमे जो पठान गाना जमकर धूम मचा रहा है। साथ ही लोगों ने इस गाने को लेकर अपने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे पठान के लेटेस्ट झूमे जो पठान को रिलीज किया गया। झूमे जो पठान को लेकर सोशल मीडिया पर मेकर्स के अनाउंसमेंट से ही बस शुरू हो गया था। बुधवार को पठान के मेकर्स ने इस गाने के रिलीज डेट का ऐलान किया था। ऐसे में अब जो झूमे जो पठान रिलीज हो गया है तो चर्चा होनी बनती है। पठान के लेटेस्ट सॉन्ग को लेकर ट्विटर पर तमाम लोग अपनी अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बीच केमिस्ट्री का जादू इस गाने में साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि इस गाने की तारीफ मैं करते नहीं थक रहा, शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज इस गाने में आग लगाने का काम कर रहा है। तो वही एक अन्य यूजर ने लिखा कि झूमे जो पठान में कमी निकालने के लिए ट्रोल गैंग तैयार होगा। इस तरह से तमाम यूजर्स पठान के इस गाने पर रिएक्शंस दे रहे हैं। अब आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या रिएक्शन है झूमे जो पठान पर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान विवादों में है, ये सबको पता है। इसका गाना बेशर्म रंग की लोग आलोचना कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण को बहुत कुछ कह रहे हैं, शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। उनका कहना है कि गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है जो कि बेहद आपत्तिजनक है। हालांकि रिलीज के बाद से ही ये गाना ट्रेंडिंग में है और स्लैब्स इस गाने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में लॉक ऑफ फेम अंजलि अरोरा का नाम भी जुड़ गया है। कच्चा बादाम से अंजलि अरोरा फेमस हुई थी। अंजलि अरोरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बेशर्म रंग गाने पर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं। उन्होंने दीपिका पादुकोण के स्टेप्स को हूबहू कॉपी कर लिया है, मानना पड़ेगा अंजलि। अंजलि ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, हमें तो लूट लिया है मिलके हुस्न वालों ने। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। कमेंट्स बॉक्स पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। अब गाना ही ऐसा चुना है तो ट्रोल तो होना ही था। ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।